हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस प्लांट के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, बात करने वाले हैं। वो हमारे प्लांट थोड़े से किचन गार्डनिंग से रिलेटेड हैं। तो किचन जो गार्डनिंग के शौकीन होते हैं वो थोड़ी बहुत ये हर्ब्स वगैरह अपने गार्डन में लगा सकते हैं, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें ये आसानी से इजीली मिल जाएं। तो आज जो ये मैं हर्ब्स आपको बता रही हूँ, ये जो मसाले पत्तियाँ होती हैं, ये हमारी जो देसी डिशेज होती हैं उनमें कम यूज़ होता है। ये हमारे जो बाहरी खाने होते हैं, बाहरी डिशेज होती हैं जो, उनमें ज़्यादा यूज़ होता है। और आप सब ने ये सब नाम ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि आजकल सभी लोग हैं वो कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन और आपके अमेरिकन, सब सारे फूड्स रेस्टोरेंट वगैरह में खाते रहते हैं। तो ये आपने नाम ज़रूर सुने होंगे इन हर्ब्स के। तो आज मैं बस उन्हीं के बारे में आपको थोड़ा बहुत उनकी केयर टिप और आपको कैसे कैसे यूज़ करना है ये आपको बताने वाली हूँ। तो अभी जो आप मेरे सामने प्लांट देख रहे हैं, ये जो आपके सामने मैंने प्लांट रखा हुआ है, ये देखिए, ये वाला, ये हमारा है रोज़मेरी का प्लांट। बिल्कुल आपने ज़रूर सुना होगा रोज़मेरी का नाम। ये अरोमा में यूज़ होता है। आपने एसेंशियल ऑयल के, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के सुना होगा हमेशा। और ये काफ़ी अच्छे अरोमा में यूज़ होता है। तो इनसे, इनका बहुत अच्छा एक यूज़ होता है कि आप जो इनकी पत्तियाँ होती हैं इनमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। प्लांट देखिए काफ़ी अच्छा बुशी सा हो गया, ये बहुत ज़्यादा फैलता है। जितनी ज़्यादा आप इसकी पत्तियाँ कट करते जाएंगे उतनी ज़्यादा ये फैलते चले जाएंगे आपके प्लांट। तो ये जो हमारा प्लांट है, अभी क्योंकि बारिश का हल्का सा मौसम हो रहा है, तो मुझे लग रहा था कि मैं इनकी पत्तियाँ थोड़ी सी अभी हटा दूँगी, कटाई करके थोड़ी सी पत्तियाँ ड्राई करने के लिए डाल दूँगी, और इस प्लांट की थोड़ी सी प्रूनिंग भी कर दूँगी, ताकि बारिश का पानी मिलने से ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। हालाँकि ये मेरे बहुत बड़े प्लांट में नहीं है, बट छोटे से प्लांट में ही है, पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है इस प्लांट की। तो ये हमारा रोज़मेरी का प्लांट है। इसको आप अपना जो आप इसकी पत्तियां हैं इनको ले करके ड्राई कर लीजिए, और फिर जो आप अपना हेयर ऑयल यूज़ करते हैं या बॉडी ऑयल यूज़ करते हैं, उन पत्तियों को आप सुखा के ड्राई करके उनमें डाल दीजिए, और कुछ दिन आप डला रहने दीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपका जो ऑयल है उसमें इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी, इतना अच्छा आपको भीनी भीनी सी खुशबू मिलेगी। अभी भी मैं आपको आप जब इसकी पत्तियों को ऐसे तोड़ के हल्का सा क्रश करके स्मेल करेंगे तो बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आती है। बहुत अच्छा ये प्लांट होता है रोज़मेरी का। ये मोस्टली इंडियन जो कुशंस होते हैं, जो इंडियन खाने होते हैं उनमें नहीं यूज़ होता है, पर जो हमारे बाहरी खाने होते हैं उनमें ज़्यादातर, उनमें डिशेज में काफ़ी में यूज़ होता है। तो एक ये प्लांट था मेरे पास हर्ब का, और प्लस ये अरोमा के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी पत्तियों को ड्राई करके रख लीजिए और अरोमा जो ट्रे होती हैं उनमें आप इनकी पत्तियों को डाल के आप अपने घर में इसकी पूरी खुशबू दीजिए, तो एक बहुत प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आपके पूरे घर में महकेगी। और वैसे भी ये प्लांट ऐसे भी लगा हुआ है, तो इसमें पत्तियों में काफ़ी अच्छी महक होती है। अभी इसमें फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, जब तब ये और भी ज़्यादा अच्छा उसमें खुशबू आएगी। तो एक ये आप हर्ब यूज़ कर अपने घर में लगा सकते हैं। एक तो प्लांट भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है आपका, प्लस ये बहुत यूज़फुल प्लांट है। मैंने जैसे आपको इसको यूज़ बताए हुए हैं, आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा प्लांट दिखाती हूँ अपना। ये है मेरा ऑरिगैनो का प्लांट। ऑरिगैनो आपने बहुत सुना होगा, जब भी आप पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं तो ऑरिगैनो के जो लीव्स होती हैं, इनके इनका जो पाउडर होता है या क्रश करके इनको, उसको फ्लेवर के लिए आपके पिज़्ज़ा में डाला जाता है। तो ये भी बहुत सारे डिशेज में यूज़ होता है। ये देखिए, ये इसकी ये लीव्स हैं, और क्योंकि मैं इनकी लीव्स तोड़ के स्टोर करती रहती हूँ इस टाइप से, ये एयर टाइट मेरे जार हैं जिनमें मैं ये इस तरीके से सारी लीव्स वगैरह तोड़ तोड़ के ड्राई करके स्टोर कर लेती हूँ। तो इसको भी मैं जब थोड़ा बहुत ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मैं इसकी लीव्स कट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद ड्राई करके रख लेती हूँ,
और जब भी मुझे ज़रूरत होती है किसी भी डिश में तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और बाकी भी वैसे भी आप क्योंकि ये सब हर्ब्स प्लांट हैं, मसालों के प्लांट हैं एक तरह से, तो इनमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। ये देखिए, इसको आप क्रश करके आप जब भी सूंघेंगे, आप वैसे भी आप इनके आसपास भी खड़े होंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये बड़े प्यारे प्यारे महक दे रहे हैं ये प्लांट। तो एक ये प्लांट है जो आप अपने घर पे लगा सकते हैं और अपने पास इसको स्टोर कर सकते हैं। आप थोड़े बहुत अपनी गार्डनिंग में थोड़े बहुत हर्ब्स जो होती हैं जो हमारी, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, छोटे छोटे से पॉट्स में लगा लीजिए ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आप इनको यूज़ कर लीजिए। और अभी मैं आपको एक और दिखाती हूँ इनकी भी, बस इनको जितने भी मैं आपको प्लांट अभी दिखाने जा रही हूँ ये क्योंकि हमारे इंडियन मसालों के नहीं होते हैं, तो इनकी बस एक ये खासियत है कि इनको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है। इनको आप थोड़ी सी छाया में रखिए, शेडी एरिया में रखिए। अभी तो मैंने इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि शायद बारिश होगी तो इनमें थोड़ा पानी पड़ जाएगा, और अभी मैं इनको थोड़ा कट भी करने वाली हूँ बारिश के बाद ताकि इनमें नई जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होनी हो जाए। और मैं आपको एक और अपना प्लांट दिखाती हूँ जो भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये है पार्सले का प्लांट जो कि कुछ कुछ हमारे धनिया जैसा लगता है, पर ये भी मतलब हमारे जो बाहरी जो फूड्स हैं उनमें यूज़ होता है, धनिया के जैसा ही यूज़ होता है। इसको आप तोड़ के डालिए, और वैसे भी आप अगर अपने किसी भी डिश में जिसमें आप धनिया का यूज़ करते हैं इसमें कभी कभी इसको भी यूज़ करके देखिए, ये सब बड़े टेस्टी लगते हैं, बड़ी अच्छी इनकी खुशबू होती है। और बड़ा ये तो मैं बिल्कुल जो बिल्कुल धनिया जैसा ही था, मैं उसकी छोटी सी एक वो लेके आई हुई थी फिर मैंने लगा दिया हुआ था, और अब भी देखिए आप इसकी कितनी अच्छी स्टेम है। और ये भी प्लांट बहुत अच्छा बुशी सा हो जाता है, देखिए बिल्कुल एम्ब्रेला जैसा लुक दे रहा है ये नीचे से इस तरीके से, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इसको केवल इसी पर्पस से नहीं आप लगा सकते कि एक हर्ब है, और या फिर इस पर्पस से भी कि चलिए मेरे मुझे ज़रूरत क्या है मैं क्यों इसको लगाऊं। ये प्लांट्स ही देखने में बहुत अच्छे हैं, प्लस आपके गार्डन में आपने अपनी बालकनी में अगर रखा हुआ है तो ये जब आपकी वहां से हवा आएगी आपकी विंडो से तो ये बहुत अच्छे अच्छे जो हर्ब लगा दीजिए तो ये बहुत अच्छी एक खुशबू आपके घर के अंदर आएगी। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक भी है, मैंने स्पेशली जब ये हर्ब्स लगाए थे तो इसी वजह से लगाए हुए थे कि जब मैं इनको विंडो अपनी विंडो के पास में रखती हूँ तो जब भी कोई हवा आती है तो झुका आता है या जो भी हवा आती है तो इनसे अंदर आती है तो ये बड़े बहुत अच्छी अच्छी महक देते हुए हैं। तो ये है तो थोड़े से विदेशी हम लोगों की देसी फूड्स में कम यूज़ होते हैं, पर आप इनको लगा सकते हैं एज ए गार्डनर, आपके लिए ये बहुत यूज़फुल हैं, अच्छे भी लगते हैं देखने में, ग्रीनरी है हमारे पास में, प्लस अगर हम कुछ भी डिश बना रहे हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत है तो वहाँ पे हमें भागना नहीं पड़ेगा, हमको आराम से इजीली मिल जाएगा, और प्लस हम अपने नए जो हम अपनी डिश बनाते हैं उनमें भी इनको यूज़ करके आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखिए कि क्या टेक्सचर आ रहा है, कैसा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा इसका जो थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाता है तो बहुत प्यारा लगता है। तो एक ये हर्ब है, इसको भी बहुत ईजी टू ग्रो हैं ये सब, इनको आपको सिंपली लगा देना है आपकी जो सॉइल है और उसमें थोड़ा सा आप कंपोस्ट मिलाइए, बहुत थोड़ा सा कंपोस्ट आपको मिलाना है जो आपका है खाद वगैरह फर्टिलाइज़र, और बाकी आपने इसको बस लगा देना है और कुछ नहीं है, केवल पानी देना है और धूप से बचाना है इन प्लांट्स को, ज़्यादा धूप नहीं पड़नी चाहिए। अभी देखिए जैसे मैंने पानी की वजह से इनको थोड़ा सा धूप में दे रख दिया हुआ था तो बारिश तो उतनी नहीं हो पाई, लेकिन धूप ज़्यादा लग जाने की वजह से थोड़े थोड़े से ये प्लांट थोड़े इनमें जो इसकी लीव्स हैं वो बर्न होने लगी हैं थोड़ी सी, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि बारिश हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा इनको बाहर रखी हुई हूँ, वरना इनको मैं अंदर रख लेती हूँ। तो
आज ही प्लांट्स मैं आपको बता रही थी जो, तो ये आप भी इनको अवेलेबल हों आपको जहाँ से भी मिल सके आप ले लीजिए। ये प्लांट जो है हमारा पार्सले का, इसके लिए तो आपको इसके मतलब क्या बोलते हैं ये प्लांट ही चाहिए होगा, छोटा सा भी मिल जाए, बिल्कुल छोटा सा। मैं तो हमेशा छोटे छोटे प्लांट्स लेके आती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि मेरे प्लांट्स हमेशा छोटे ही होते हैं, मैं उनको अपने घर पर मतलब ग्रो करती हूँ अपने ताकि वो मेरे एटमोसफेयर में अच्छे से ग्रो होने लग जाएँ। मैं बहुत बड़ा प्लांट कभी नहीं लाती हूँ, तो ये भी मैं बहुत छोटा सा लेके आया हूँ, तो आपको भी अगर कहीं से ये मिल जाता है तो आप इसको लगा लीजिए। प्लस आपको देखिए बहुत प्यारा लगेगा जब भी आप लगा लेंगे, जब इतना ग्रीन ग्रीन सा इतना छोटे से पॉट में लगा होने के बावजूद ये बहुत खूबसूरत लगता है ये, और प्लस इसमें इतनी अच्छी खुशबू भी है। और इसके अलावा मैंने मिंट भी लगाया हुआ है, पर अभी मेरा मिंट बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। आप जानते हैं कि मिंट बहुत फैलता है, तो जब ये मेरा बड़ा हो जाएगा, थोड़े से फैलने लगेगा, जो ग्रोथ होने लगेगी, तब मैं इसको किसी ऐसे कंटेनर में रखूँगी जहाँ पे ये थोड़ा सा फैलने लगे। और इन प्लांट्स की एक और खासियत होती है कि इनको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब ओवर नहीं, बट हाँ ये है कि इनको आपको सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। इनका हमेशा जो भी सॉइल है वो हमेशा मॉइस्चर्ड रहनी चाहिए। तो ये प्लांट तो आप, ये और ओरिगानो जो आपका प्लांट है वो तो आपको प्लांट चाहिए, बट जो आपका रोजमेरी है वो आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको रोजमेरी की कहीं से कटिंग मिल रही है तो आप कटिंग ले आइए। कटिंग के बाद आपने करना क्या है, आपने आपके सारे रोजमेरी के जो आपने, जैसे आपने ये इतनी सी कटिंग ली है तो 2 से 4 इंच की आप कटिंग भी ले सकते हैं। सारे लीव्स आप उसकी हटा दीजिए, लीव्स आप फेंकिए मत, इसकी लीव्स में ही सब कुछ है, तो इसकी लीव्स आप फेंकेंगे नहीं, आपको ड्राई करके रख लेना है। और जो इसकी कटिंग है वो उसको आपको लगा देना है, और बहुत इजीली ये आपका प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था, थोड़े से अभी मैं आपको आने वाले वीडियोस में अपने देसी वाले भी जो हैं, जैसे लौंग है, तेजपत्ते हैं, जो भी हमारे देसी हर्ब्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन आज मेरा जो था वीडियो वो बस इन्हीं थोड़े बहुत बाहरी जो विदेशी हर्ब्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा लोगों को कम जानकारी है कि इनको कैसे लगाना है, कैसे ग्रो करना है और इनका क्या यूज़ है, तो बस आज जानकारी इन्हीं के बारे में थोड़ा सा देना था। और अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगें तो मेरा वीडियो ज़रूर आप लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।